ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। होम्योपैथी सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क कैल्क में आप लोग पढ़ रहे हैं। डेटा मेनू में आज आप लोग पढ़ेंगे डिफाइन रेंज क्या होता है। आप लोग मोर फिल्टर तक पढ़ चुके हैं, आज आप लोग पढ़ेंगे डिफाइन रेंज। तो डिफाइन मतलब होता है निर्धारित करना, किसी रेंज को निर्धारित करना कहलाता है डिफाइन रेंज। रेंज को निर्धारित करना, किस नाम से निर्धारित करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं। तो हमको किस रेंज को डिफाइन करना है हम उसको सेट कर लेंगे पहले। जैसे हमने सेट कर लिया बेसिक सैलरी को रेंज को, ये पूरा बेसिक सैलरी को रेंज का हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हमको डिफाइन करना, जब डेटा मेनू पे आएंगे और डिफाइन रेंज पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही देखेंगे हमारे पास डिफाइन डेटाबेस रेंज का बॉक्स आ गया है। इसमें आप किस नाम से डिफाइन करना चाहते हैं वो नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे हम लिख दे रहे हैं बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐड, ऐड पे क्लिक करने पर आप कर देंगे ओके। अब ये रेंज हमारा डिफाइन हो गया। अब कभी भी हमको आवश्यकता अगर होता है कि हमको बेसिक सैलरी को सेट करना है तो क्या करेंगे, डेटा मेनू पे जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट रेंज पे जाएंगे। अब किस रेंज को सेट करना है हमको, सेट करना है यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है बेसिक सैलरी वही दिख रहा है, उसको हम सेट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो गया हमारा बेसिक सैलरी, यही है डिफाइन रेंज और सेलेक्ट रेंज। इसी प्रकार से हमको मान लो और कोई रेंज डिफाइन कर, जैसे मान लो कोई डिफाइन करना है स्टेट के रेंज को, तो स्टेट को पहले हम सेट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद आएंगे डेटा मेनू में, उसमें जाएंगे डिफाइन रेंज पे। अब यहाँ पे हमारा नाम दे देंगे स्टेट और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड बटन है यहाँ पे, आप स्टेट लिख करके यहाँ पे ये सेट पहले से है, अब ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टेट नाम से डिफाइन हो गया, इसको कर देंगे ओके। इसी प्रकार से हमको डिफाइन करना है डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट भी हम सेट कर लेंगे। डेटा मेनू पे आएंगे, डिफाइन रेंज पे आएंगे, यहाँ लिख देंगे डिपार्टमेंट। इस बात कर देंगे ऐड ओके। इसी प्रकार हमको एम्प्लाई नेम को डिफाइन करना है तो इसको भी सेट कर लेंगे। डेटा मेनू पे आएंगे, डिफाइन रेंज पे आएंगे, तो हमने चारों को डिफाइन कर दिया। हमको सेलेक्ट करना है तो हम आएंगे डेटा मेनू में, सेलेक्ट रेंज पे आएंगे। अब हमको यहाँ देख रहे हैं जितने हमने रेंज को डिफाइन किया सबका नाम देख रहे हैं। जिसको हमको सेलेक्ट करना है, मानो हमको सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में क्लिक करके ओके कर देंगे। देख रहे हैं सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे हमको इसमें करना है फिल्टर, तो हम डेटा मेनू पे आ करके ऑटो फिल्टर क्लिक करके और डिपार्टमेंट के अनुसार यहाँ पे आल सेलेक्ट को हटा करके हमको फिल्टर करना है मैनेजर को, तो मैनेजर सेट करके हम ओके कर देंगे। फिर से लेके आना है तो आल सेट करके यहाँ क्लिक कर देंगे, आल सेट पे ओके कर देंगे। तो हम डिफाइन करते हैं इसीलिए, जिससे कोई भी काम करना हो सेट करके हम आसानी से कर सके, इसलिए हम डिफाइन करते हैं। फिल्टर को हटा देंगे ओके, इसी पे लगा फिल्टर हटा देंगे। तो हमारा हो गया सेलेक्ट। और कोई सेलेक्ट करना है रेंज तो हम क्या करेंगे, हमको सेलेक्ट करना है स्टेट रेंज को, तो स्टेट पे क्लिक करके यहाँ पे बॉक्स में हमारा दिया गया स्टेट ओके कर देंगे, स्टेट सेट हो गया। इसी प्रकार से हमारा कोई भी हमको डिफाइन करना रेंज को, किसी भी रेंज को सेलेक्ट करना है जो डिफाइन रहेगा वही इसमें सेट कर सकते हैं। रिफ्रेश जब हम कोई इसमें चेंजिंग करते तो वही अपने आप रिफ्रेश होता रहता है, इसको करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक होता रहता है, उसको आप नहीं करेंगे अपने आप हो जाता है रिफ्रेश। पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, इसमें आप पिवट टेबल को इंसर्ट और एडिट कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे जिसका बनाना है, मतलब हमको पूरे बनाना है, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इसे। उसके बाद आएंगे डेटा मेनू में, पिवट टेबल पे यहाँ जाएंगे इंसर्ट और एडिट पे। करंट सिलेक्शन दे रहा है, हमने जो सेलेक्ट किया है उसी को हमको बनाना है ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमको फिल्टर करना है तो यहाँ पर कुछ नहीं लेना, आपको कॉलम वाले फील्ड में आप डेटा ले लेंगे, डेटा हमारा है। जैसे हम चाहते हैं सिर्फ डिपार्टमेंट के अनुसार करना तो डिपार्टमेंट हम यहाँ ले लेंगे, डेटा हो गया। अब यहाँ पे रो फील्ड में हम ले लेंगे स्टेट, यहाँ से पकड़ के लाएंगे माउस से। फिर यहाँ बेस सैलरी ले लेंगे, माउस से इसको लेफ्ट बटन दाब करके आप खींच के लाना है, यहाँ पर छोड़ देना है।
ऐसे आप बारी बारी सबको खींच कर आगे छोड़ देंगे और उसके बाद करेंगे ओके। देख देखिए हमारा यहाँ पे टेबल बन चुका है, इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा। ये हमारा जो है पिवट टेबल बन चुका है, सम बेसिक सैलरी बड़ा कर सकते हैं। स्टेट दिया गया है आपका, सब एल स्टेट दिया गया है, ये डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं, टोटल एजेंट आपका जो दिया गया है, एम पी एम कितना है, यू पी एम कितना है, यूपी में देखिए जितनी बार रहेगा सबका देगा अलग अलग। टोटल रिजल्ट कितना इसमें है, इसमें कितना टोटल रिजल्ट, इसमें 2 बार है, मैनेजर 2 बार दिया गया है, अकाउंटेंट 1 ही बार है, प्यून जो है 2 बार है, सब मैनेजर 1 ही बार है, सबका टोटल यहाँ जोड़ जोड़ के दिया गया है और टोटल रिजल्ट यहाँ पर दिया गया 12 लोगों के। तो ये हमारा है पीवी टेबल। पीवी टेबल हम इसी बनाते हैं इसके हमको सबको अलग डिफाइन कर सकते, जैसे अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का जो हमारा है सिर्फ 1 ही सैलरी है 36,000 रुपये, मैनेजर का जो सैलरी है 3,228 दोनों जोड़ के 80 हो गया, प्योर का जो सैलरी है 12,18 दोनों 30 हो गया, सब मैनेजर की सैलरी 28 सब जोड़ के आ गया। टोटल रिजल्ट आपका है 12, ये ऊपर वाले रो में 12 टोटल है, नीचे एम पी वाले रो में 2 वैल्यू है 36 और 32 दोनों जोड़ के यहाँ पे 68 हो गया, इसमें 3 वैल्यू है 94 हो गया, सब जोड़ करके आपका इतना हो गया। तो ये आपका है पीवट टेबल। तो ये टेबल आप लोग बना लेंगे सही से, ये पीवट टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेटा मेन्यू में आप लोगों ने पढ़ा पीवट टेबल, कंट्रोल जेड करके आप फिर से देखना है इसी पीवट टेबल को, फिर से आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट कर लेना है, डेटा मेन्यू में आना है, पीवट टेबल पे आना है, इंसर्ट और एडिट पे आना है, करंट सेक्शन लेकर के ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा कॉलम वाले फील्ड में आप डिपार्टमेंट को ड्रैग करके लेके आएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, स्टेट को आप ड्रैग करके लाएंगे, माउस सेलेक्ट बटन दाब करके फील्ड रो में सेलेक्ट देंगे, डेटा फील्ड में आप पेज सैलरी को माउस से पकड़ करके लाएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे और उसके बाद करना है ओके। ओके करते ही आपका बन जाएगा, इसको आप लोग ऐसे बना लेंगे सही से और पेडल साइज कर लेंगे, जो दिक्कत होगा आपको बाद में बताएँ कमेंट में लिख देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में ज़रूर लिखिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को कैसा लग रहा है इस लॉकडाउन में पढ़ते हुए, इसके फीडबैक आप लोग भेजिए और आप लोग पेडल करते रहिए, आपके पास कंप्यूटर है तो, और कॉपी पे नोट करते रहिए। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो देखने के लिए।